5 साल पहले लिया गया वो निर्णय कि मुझे नेटवर्क मार्केटिंग करना है, मेरी जिंदगी का नहीं, मेरे पूरे परिवार की जिंदगी का सबसे बेहतरीन निर्णय साबित हुआ है। इस 15 साल में मैंने अपनी जिंदगी के सबसे बेहतरीन पल हासिल किए। इस 15 साल के अंदर मैंने एक अमीर व्यक्ति की जिंदगी को जीने की जो कोशिश करी है वो नेटवर्क मार्केटिंग से पॉसिबल हुआ था। 15 साल पहले जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग में आया तो मेरे पास एक 2-व्हीलर हुआ करता था और आज मेरे पास मर्सिडीज बेंज है। और बात गाड़ी की नहीं है, बात उस लाइफस्टाइल की है जो 15 साल में मैं जिया हूँ। मैं अभी क्रूज पे हूँ बैंकॉक में और ये इस पिछले एक साल में मेरा 5वां या 6ठा क्रूज डिनर है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर मैं नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं होता तो एक मिडिल क्लास फैमिली का आदमी 6 महीने या 1 साल के अंदर 5-6 बार तो बाहर भी खाना खाने नहीं जाता है। और मैं 6ठी से 7वीं बार क्रूज पे हूँ। उससे पहले मैं बाली में था, प्रायर टू दिस आई वॉज इन दुबई, प्रायर टू दिस आई वॉज इन थाईलैंड, और ये 6ठा 7वां क्रूज डिनर है पिछले 1.25 साल के अंदर। जो 15 साल में ज़िंदगी मैंने इस इंडस्ट्री की वजह से जी है, मैं आपसे एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ, अगर आप सचमुच में नेटवर्क मार्केटिंग में जो लाइफस्टाइल है उसको एंजॉय करना चाहते हैं तो एक चीज़ का ध्यान रखिए कि आप लोगों की परवाह मत करिए, क्योंकि लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में सिर्फ इन्फॉर्मेशन, और ज़िंदगी इन्फॉर्मेशन के ऊपर नहीं जी जाती है, ज़िंदगी नॉलेज से जी जाती है। मैं बहुत हार्ड हो जाता हूँ कभी कभी जब मैं बातें बोलता हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग अगर नहीं करता तो मेरी ज़िंदगी में ये खुशनुमा पल कभी ज़िंदगी में आते नहीं है। और जो लाइफस्टाइल 14-15 साल में मैंने जिया है, करीब करीब 8-10 बार मैंने कार चेंज किया है इन 10-12 सालों के अंदर, वो मैं कभी नहीं कर पाता। जो अर्निंग मैं आज एंजॉय कर रहा हूँ वो मैं कभी नहीं कर पाता। जैसा कि आप सब जानते ही हैं, पिछले साल का मेरा अर्निंग करीब करीब 3.25 करोड़ रुपए का है इस इंडस्ट्री से। कहना बहुत आसान होता है। और याद करता हूँ उस 15 साल पहले उस पल को कि काश नहीं बोल रहा, ये बोलता हूँ कि गलती से अगर मैंने अपने फादर की, अपने रिश्तेदारों की बात, अपने दोस्तों की बात मान ली होती कि इंडस्ट्री मेरे लिए नहीं है तो मैं पता नहीं क्या कर रहा होता इस वक्त, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी होती। लेकिन मैंने उनकी बात नहीं मानी और मैंने अपने दिल की सुनी कि मुझे नेटवर्क मार्केटिंग करनी चाहिए।